हे गाइस, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको Realme Buds Air Q2 को कंपेयर करने वाला हूँ Realme Buds Air 2 के साथ। और गाइस, इन दोनों ईयरफोन को इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सिमिलैरिटीज़ है और डिफरेंसेस बहुत ही कम है और प्राइस डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है। सो लोग जो है वो कन्फ्यूज़ है कि कौन सा परचेज करना चाहिए। बट यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि अगर आपको एक लुक चाहिए कि आईफोन में जो है जैसा ईयरबड्स आते हैं वैसा लुक चाहिए, तो आप जो है वो Realme Buds Air 2 को परचेस कर सकते हैं। और आपको एक पेबल टाइप का जो है वो लुक चाहिए, तो आप जो है वो Realme Buds Q2 परचेस कर सकते हैं। बट अगर आपका लुक जो है वो मैटर नहीं करता है, साउंड क्वालिटी वगैरह मैटर करता है, तो आप जो है वो Realme Buds Q2 के साथ जा सकते हैं। वो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ वो मैं आपको वीडियो के आगे बताऊँगा। तो गाइस, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले इन दोनों ईयरबड्स जो है, Realme Buds Q2 एंड Realme Buds Air 2, इन दोनों में जो है वो सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ के बारे में बात करते हैं। क्या क्या सिमिलर है इन दोनों ईयरबड्स में। तो सबसे पहले, इन दोनों में आपको जो है 10mm का बेस बूस्टेड ड्राइवर मिल जाता है। ट्रांसपेरेंसी मोड आपको दोनों ही में मिल जाता है। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन अप टू 25 डेसिबल के जितने भी नॉइज हैं उनको ये दोनों ईयरफोन्स जो है वो कैंसिल कर देता है। दोनों ही में जो है आपको डुअल माइक दिया गया है, एक इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन के लिए, कॉल्स के लिए। और अगर आप गेमिंग करते हैं तो आपको जो है सुपर लो 88ms का जो है लेटेंसी मिल जाता है। और यहाँ पे आपको वाटर रेजिस्टेंट मिलता है, IPX5 का जो है वाटर रेजिस्टेंट मिलता है दोनों ही में। दोनों ही में आपको Realme का R2 चिप लगाया गया है। और दोनों ही में आपको जो है वो 5 आवर का बैकअप मिलता है। अगर दोनों ईयरबड्स एक बार फुल्ली चार्ज हो जाते हैं तो 5 आवर का बैकअप मिल जाएगा। और दोनों ही में आपको ब्लूटूथ 5.2 का जो है आपको सपोर्ट मिल जाता है। डुअल चैनल ट्रांसमिशन मिलता है, R2 चिप लगाने के बाद जो है वो डुअल चैनल ट्रांसमिशन का सपोर्ट इसमें आ जाता है, जिससे एक जो है वो सॉलिड सिंक जो है आपके फ़ोन से हो जाता है। तो आपको जो है वो थोड़ा बहुत लैग वगैरह या साउंड का जो है कटने वगैरह का जो है वो आपको इशू आगे देखने को नहीं मिलेगा। इंटेलिजेंट टच कंट्रोल आपको इसमें मिल जाता है। और ओपन टू पॉपअप, जैसे ही आप ओपन करते हैं इसके केस को तो आपके फ़ोन से जो है वो सिंक हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, वैसा फीचर इन दोनों में दिया गया है। दोनों ही में ब्लूटूथ 5.2 का जो है आपको सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे आपको इन दोनों ईयरबड्स को कंट्रोल करने के लिए Realme Link ऐप जो है वो दिया गया है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फास्ट चार्जर जो है वो आपको दोनों ही में मिल जाता है। और यहाँ पे आपको दो कलर ऑप्शन मिलते हैं दोनों ही में, ब्लैक और वाइट। और जो डिफरेंसेस है वो आपको बैकअप में मिलते हैं। अगर आप फुल्ली चार्ज कर देते हैं Realme Buds Q2 को तो आपको 28 आवर का बैकअप मिलेगा। और अगर आप 10 मिनट चार्ज करते हैं तो आपको 3 आवर का प्लेबैक टाइम मिलता है। वहीं अगर आप Realme Buds Air 2 को चार्ज करते हैं, फुल्ली चार्ज करते हैं, तो 25 आवर का प्लेबैक टाइम मिलता है। और अगर आप 10 मिनट चार्ज करते हैं Realme Buds Air 2 को तो आपको जो है वो 2 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलता है। बट यहाँ पे प्राइस डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। Realme Buds Air Q2 का जो प्राइस है वो है 2499 रुपीज़, और Realme Buds Air 2 का जो प्राइस है वो है 3299 रुपीज़। तो प्राइस डिफरेंस इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे मेरा मानना ये है कि अगर आपको लुक ज़्यादा मैटर नहीं करता है, साउंड क्वालिटी के पास आप जाना चाहते हैं, तो आप जो है वो Realme Buds Q2 के साथ जा सकते हैं, क्योंकि सब कुछ जो है वो बिल्कुल सेम है। और यहाँ पे आपको जो है वो इवन बैटरी बैकअप भी आपको Realme Buds Air Q2 में ज़्यादा अच्छा मिलता है। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।